नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना केस की संख्या 60 लाख के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 88,600 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान कोरोना से 1,124 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही कोरोना केस की कुल संख्या बढ़कर 59,92,533 पहुंच गई है। इसमें से 9,56,402 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक कुल 94,503 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 92,043 मरीज ठीक होकर घर गए। अब तक कुल 49,41,627 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 82.46% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 8.96% है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पिछले एक दिन में 20,419 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 430 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल केस की संख्या 13,21,176 पहुंच गई है। इसमें से 2,69,119 एक्टिव केस हैं, जबकि 10,16,450 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 35,191 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पिछले एक दिन में 20,419 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 430 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल केस की संख्या 13,21,176 पहुंच गई है। इसमें से 2,69,119 एक्टिव केस हैं, जबकि 10,16,450 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 35,191 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर काबिज आंध्र प्रदेश में पिछले एक दिन में 7,293 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल केस की संख्या 6,68,751 पहुंच गई है। इसमें से 5,97,294 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,663 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। यहां पिछले एक दिन में 5,647 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,75,017 पहुंच गया है। इसमें से 5,19,448 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,233 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक में भी कोरोना की रफ्तार डरा रही है। यहाँ पिछले एक दिन में 8,811 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल केस की संख्या 5,66,023 पहुंच गई है। इसमें से 4,55,719 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 8,503 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब 1,588, राजस्थान 2,045, असम 1,736, छत्तीसगढ़ 3,896, दिल्ली 3,372, झारखंड 1,226 और गुजरात में पिछले एक दिन में 1,417 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।